नमस्कार, मैं आशीष पाठक आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को सबको पता होगा कि टीम ने डिसाइड किया था कि एक पीसीएस के लिए आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेगी, जिसके लेकर एक फॉर्म हमने गूगल पे आपका फॉर्म फिलअप कराया था। आप लोगों से काफ़ी बच्चों का उस पर रिस्पॉन्स आया था। उसके बाद से ये था कि थोड़ा जल्दी ही ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश जो है इसे पोस्टपोन करना पड़ा। वो कारण यह थे कि इसी बीच में आपके मेंस के एग्जाम लग गए थे, प्लस आरओ का एग्जाम था। साथ ही साथ अभी अभी रिसेंट में आपका कल ही जो है 11 तारीख में पीसीएस प्री जो 2020 है वो हुआ है। तो अब एक तरह से देखा जाए तो 2020 का सेगमेंट खत्म हो गया है हमारे ऊपर से, अब 21 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जो आप लोग हमेशा पूछते रहते थे कि सर आपने कहा था कि फाउंडेशन बैच आएगा, कब आएगा, ठीक, काफ़ी जो भी लेक्चर्स होते थे उसमें आप लोगों की क्वेरी होती थी, सर हमें फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, हमारा सपना है पीसीएस का जो है, हमें अगला बार 21 वाला जो है पीसीएस देना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, जिनका एग्जाम इस बार होने वाला है और संभवतः हो रहा होगा इस समय, और वो यही सोच रहे थे कि सर जब स्टार्ट करेंगे तो हम 21 के लिए उनके साथ जुड़ेंगे। यही सब देखते हुए टीम ने डिसाइड किया कि जैसे ही आपका 2020 का प्री फाइनल हुआ है, उसके बाद से हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो है हम 21 के लिए बच्चों के लिए जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आए थे उनको ये बताया जाए कि हाँ हमारा जो हमारी टीम है वो 21 के लिए पूर्णतः एकदम लग गई है, कि जो भी बच्चे अगर पीसीएस 21 का सपना देखे हैं, जिनको ये है कि मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आगे बढ़ना है, मेरा कैरियर उसमें जाना है, और जो बच्चे कहीं ना कहीं अब जॉब कर रहे हैं, चाहे जो भी सेलेक्टेड हों, जैसे एज ए टीचर हों, एज ए कहीं क्लर्क हो, चाहे एज ए कांस्टेबल हो, और जिनकी ये मानसा है कि मेरे को भी इस पीसीएस में जाना है, इच्छा है, एकदम बेसिक से पढ़ना है, कैसे शुरू करें, क्या क्या हम पढ़ें, एक उचित मार्गदर्शन आपको कहाँ से मिले, इन सब चीज़ों को लेकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा आपको, चाहे इस बैच जो भी स्टार्ट हो रहा है तो जो भी आपको फैकल्टी होंगी, तो ये नहीं है कि सिर्फ आपके पढ़ाने पर फोकस रहेगा, ठीक है, ये आपको बताएंगे। क्योंकि आप लोग जितने भी लोग हो, जितने लोगों का रिस्पांस हमारे तक आया था, खासकर ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम न्यू हैं और पीसीएस की तरफ मूव करना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि वो लोग अभी ना कहीं वनडे एग्जाम में फंसे थे और उनका कहीं ना कहीं मन है, अंदर से आत्मा उनको गवाह देती है कि नहीं मुझे भी इस एग्जाम में इस प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जाना है, तो उसके लिए मैं कैसे अपनी तैयारी शुरू करूं, कहां पे मैं जुड़ू कि जहां से मुझे उचित मार्गदर्शन मिले। उसी उचित मार्गदर्शन के लिए आपके परीक्षा प्लस टीम आज सामने आई है। वो बताएगी कि आपको कैसे ये जो फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस फाउंडेशन बैच में कैसे सिंपल से बच्चे का जो भी कुछ भी ना जानता हो पीसीएस के बारे में, वो इस सेगमेंट में एकदम नया हो, और जो बच्चा थोड़ा सा भी जानता हो, प्री देता आया हो, उनके लिए भी ये कितना लाभदायक होगा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बैच हमारा जो है आज से ही, आज 12 तारीख है अक्टूबर, आज से ही इस बैच में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। जितने लोग इच्छुक हो, जो लोग जानते हो, जो लोग परीक्षा प्लस परिवार से भाई जुड़े हो कि परीक्षा प्लस कैसी टीम है, यहाँ के टीचर की क्वालिटी क्या है, यहाँ पे जो भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे उसकी क्वालिटी क्या है, आप जो भी जानते हो आप लोग रजिस्टर कर लो, ठीक। जो लोग नहीं जानते हो वो हमारे चैनल पे आके विजिट करिए, ठीक है, उस पर क्वालिटी को चेक करिए कि जो भी पढ़ाया गया है कि कितना क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी भर रहा है। यही नहीं, हमारे जैसे कोर्स चलाया था, अभी ये वीडियो कोर्स पहली बार हम चलाने जा रहे हैं पीसीएस के लिए, इससे पहले हमने पीसीएस का पीडीएफ कोर्स चलाया था, बीओ का कोर्स चलाया था, ठीक है, और हमने जो है आपका लोअर जो प्री था वो चलाया था। इन सब में बच्चों के इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया, इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है कि हम पीसीएस 21 के लिए आपका वीडियो प्लस हर कोर्सेस लेकर आ रहे हैं। तो अभी आपके बीओ का जो हुआ उसमें काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हमारे ग्रुप पे, बच्चों से खुद रिस्पॉन्स ले सकते हैं, वो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक, उनके साथ कितना टीम मेहनत करती गई, उनकी मेहनत और हमारी मेहनत, देखिए ये जो है ना दोनों तरफ से, ये ताली जैसे बोला जाता है ना कि एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की आवश्यकता होती है। तो सेम बच्चों यहां भी हमें, अगर आपको पीसीएस क्रैक करना, तो ये नहीं अरे सर जी के हम भरोसे हैं, भरोसा मैं एकदम रियलिटी एकदम जेन्यून, ये नहीं दूसरे कोचिंगों की तरह मैं बात करूंगा, जो फैक्ट है चीजें
जो ओरिजिनलिटी है वही मैं बात करूंगा कि मैं आपको यहाँ 2 से 3 घंटे पढ़ाऊंगा। अगर आप अपने इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ सकते हो तो भैया कोर्स ना ज्वाइन करो, मेरी ये पहली राय है। अगर आप में दृढ़ संकल्प है, आप मन से ये संकल्प ले चुके हो कि नहीं मैं सर 2 घंटा पढ़ाएंगे तो मैं 7 घंटा पढ़ूंगा, ये मेरे अंदर की आत्मा कह रही है, मुझे वो पोस्ट दिखती है कौन सी डिप्टी एसपी और एसडीएम की, मुझे उसके लिए जाना है, तो आपको मेहनत मेरे से ज्यादा करना होगा। तो जब आपकी मेहनत और मेरी मेहनत एक साथ होगी तभी जाके एक अच्छा रिजल्ट आएगा। ये साबित किए हैं हमारे बच्चों ने, जैसे अभी आपका बीओ का रिजल्ट आया, लोअर प्री का रिजल्ट आया, ठीक, इन सब के रिजल्ट हमारे साबित करते हैं कि बच्चे हमारे साथ साथ कितने मेहनत करते हैं। नो डाउट जितने बच्चे परीक्षा प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं काफी मेहनती हैं, ठीक। तो देर ना करते हुए मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में क्या क्या होगा, कैसे कैसे टीम आपको हेल्प करेगी, ठीक है, कि आपको कहां से शुरू करना है। तो देखो, ये एक फाउंडेशन बैच इसका नाम दिया गया है। फाउंडेशन बैच इसलिए नाम दिया गया है कि जो भी बच्चा कुछ भी ना जानता हो उसको जीरो से स्टार्ट कराया जाएगा, और जो जानते हैं उनको भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसके आगे मतलब थोड़ा रफ्तार करिए। चाहे कुछ बच्चे होते हैं जैसे अभी क्लासेस होती रहती हैं तो उसमें कहते हैं सर थोड़ा हार्ड पढ़ाइए, थोड़ा और लेवल बढ़ाइए, इस टाइप का। तो ये दोनों को लेकर बहुत मतलब एक साधारण तरीके से दोनों को एक लेवल पर लेकर ये बैच चलाया जाएगा, ठीक है। तो उसी पर हम बात कर रहे हैं, ये फाउंडेशन बैच है, और इस फाउंडेशन बैच की जो स्टार्टिंग होगी, जो शुरुआत होगी, वो एक एनसीईआरटी बेस्ड होगी। क्योंकि बच्चों समझ लो कि अब जो पैटर्न आ रहा है, अभी आपको आलोक सर पेपर जो 11 तारीख को पीसीएस प्री हुआ है उसकी एनालिसिस, एक डीप एनालिसिस आपको बताएंगे कि पेपर में क्या क्या था, आखिर हम पेपर की तैयारी कैसे करें, किस लेवल से हम उसको सोचें, क्योंकि अब वो नहीं रहा। समय के अनुसार पीसीएस अपने ट्रेंड को, मैंने जब बताया था वीडियो में कि इसका ट्रेंड किसकी तरफ बढ़ रहा है, यूपीएससी की तरफ, लेकिन पूरा नहीं बढ़ गया। अब यूपीएससी का पेपर देखोगे 4 तारीख को, उसमें डिफरेंस है, और पीसीएस का पेपर देखोगे तो उसमें डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, ऐसा नहीं है, लेकिन चीजें पहले की अपेक्षा, जैसे हम बात करें 2017 की, 2018 की, 18 से 19 बहुत बेटर रहा, 19 से 20 ये फिर से बेटर रहा। यहां आप देखें तो हमारा जो ट्रेंड है, एक फैक्ट बेसिस पे, जो फैक्ट बेसिस का डाटा होता था उससे हटता हुआ कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। जब चीजें फैक्ट से कॉन्सेप्ट पे आ रही, मतलब फैक्ट का मतलब ये होता था कि पहले आपको डेट याद करना होता था, ये लड़ाई कब हुई, ये 57 की लड़ाई थी तो क्या थी, ऐसे ऐसे चीजें याद करने पड़ती थी। लेकिन आज क्या पूछता है, लड़ाई वही पूछता है, लेकिन उसके आपके कॉन्सेप्ट पूछता है कि इस लड़ाई हुई तो क्यों हुई, और इस लड़ाई के बाद ऐसा क्या रिजल्ट आया, ये सब चीजें पूछता है, ठीक। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, और कॉन्सेप्ट कहां से बिल्ड होगा आपका, जब आप जो भी चीज आप बेसिक पढ़े हो, बेसिक मतलब कहां से पढ़ोगे, एनसीईआरटी, इन सब चीज की जननी जो बोला जाए ना, आपके जीएस की, जिसको आप लोग बहुत हार्ड समझते हो, ये आपके कक्षा 5 से शुरू होती है, तो मगर आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हो। क्यों नहीं ध्यान देते हो, क्योंकि वहां पे हमारा एटमॉस्फियर जो है पूरा परिवार का यही बना रहता है कि फलाने का लड़का जो है मैथ लिया है, फलाने का लड़की जो है बायो ली है, तो ये डॉक्टर बन गए, ये इंजीनियर बन गए। हमारे माहौल में कहीं ये नहीं रहता है कि जीएस से चाहे आर्ट साइंस से लेकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और वही बच्चा, वो चाहे दिल्ली का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे राजस्थान का हो, मैं बता दूं वहां ट्रेंड क्या है, वहां बच्चे ने सेलेक्ट कर लिया मुझे आर्ट साइंस जाना है तो जाना है, लेकिन मुझे एक अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री लेकर मुझे इस लाइन में सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो अपना बेस वहां से अच्छा पकड़ता है। आप लोग क्या मैथ और साइंस इसे पढ़ लो यार, इसी से आगे करियर बनाना है, अगर आप वहीं से अच्छा पढ़े होते तो आपका बेस बहुत अच्छा होता, लेकिन ठीक है, जहां वहां गलती कर लिए तो अभी समय है बहुत। आपको सर्विसेज जो है सिविल सर्विसेज काफी समय देता है, 40 साल यूपीपीसीएस में है भाई, 21 से लेकर 40 साल भरते रहो, तो आपको बेस बनाना है, और वो बेस किससे बनेगा, आपका एनसीईआरटी से बनेगा। क्योंकि आपका जो पेपर बनता है, जो भी स्टेटमेंट, जो भी कुछ आता है, समझ लीजिए सब एनसीईआरटी के बेस पे आता है, यही नहीं पीसीएस में नहीं, आपकी यूपीएससी में भी, ठीक। तो आपको उसी के बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा, आपको उसके बाद से हमारा जो कंसर्न होगा
वो ये होगा कि आपको अगर एनसीईआरटी हम फॉलो करा रहे हैं तो साथ ही साथ एनसीईआरटी के साथ साथ हम आपको जो और अदर चीजें हैं, अदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, जो भी चीजें जो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सब चीजें, वो किस रेफरेंस बुक से हम ले रहे हैं वो सब बताएंगे आपको। हम ये भी गाइड करेंगे कि बच्चों अभी आपको इनिशियल में ये नहीं कि आपको ये सब ये खरीद लो, ठीक है, आप क्या करो कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लो, आर एस शर्मा वाली एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद से आप क्या कहें मेडिवल वो पढ़ लो, सतीश चंद्रा मॉडर्न पढ़ लो, ये सब नहीं बताएंगे हम आपको। एक स्टेप वाइज स्टेप जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे बताएंगे, नहीं बच्चों पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, देन उसकी सार मतलब आपको महेश बर्णवाल जी की आती है पूरी की पूरी, कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने छोड़ा नहीं है और बहुत बेहतरीन लिखे हैं, तो उसको आपको पूरा पूरा एक जब एक बार एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे ना तो उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो भी आप एनसीईआरटी में इफेक्ट है वो रिकॉल हो जाएगा आपको। उसके बाद से हम आपके साथ ही हैं, जो जो चीजें हम बताएंगे उसे आपको पढ़ना है, हमारे जो वीडियोस लेक्चर होंगे जो टीचर्स हमारे देंगे उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार कई चीजें जो होती हैं आपको किताबों में नहीं मिलेंगी जो आपको टीचर बता देगा, क्योंकि टीचर जब भी आपके सामने आएगा तो वो आपका एक ही दो किताब नहीं कई किताबों को एनालिसिस उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो अभी तक वो देते आया है इस फील्ड में वो सब कुछ उस समय आपको देता है, और जब आप उसे सुनोगे तो कहीं ना कहीं सुनने वाली जो शक्ति होती है वो ज्यादा स्मरणीय रहती है, मतलब काफी ज्यादा टाइम तक आपको याद रहता है, ठीक। चलिए तो बताते हैं हम थोड़ा और बैच के बारे में डिटेल, बाकी ज्यादा टाइम हम आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारा फाउंडेशन बैच है, इस फाउंडेशन बैच के तहत ये शुरुआत से हो गया है, रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट है, ये टोटल जो ये बैच की अवधि हमने बनाई है पीसीएस प्री के लिए ये टोटल आपका बैच की अवधि 9 महीने की है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, 9 मंथ यहां दिख रहा है आपको, तो ये 9 मंथ का बैच है। आप बोलोगे सर इतना लंबा कैसे होगा, देखो यार एक तो पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हो, किसी वनडे की तो आप लोग तैयारी करने नहीं जा रहे हो, तो 9 महीना तो कुछ भी नहीं है, और ये यही सोच के बनाया गया कि आपका अक्टूबर चल रहा है, ऑन अप्रोक्स आपका अगर कैलेंडर आता है 21 के लिए तो समझ लीजिए ये लोग एग्जाम वही अपने पुराने पैटर्न पे कराएंगे, अगर सब कुछ बहुत सही रहता है, जो कोविड वाला सिचुएशन है अब तो इसका कोई असर नहीं है, आप लोग भी देख रहे हो, तो इसके असर अगर कुछ भी नहीं रहता तो आपका ये एग्जाम प्री जो होता है 21 का अगर एग्जाम हम बोलें प्री, ये आपका अप्रोक्स जून या जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस डेट पे फोकस करना है, जून या जुलाई, लास्ट जून होगा या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ये ऐसे आपका एग्जाम हो सकता है, तो उसी जून को देखते हुए हमारे टीम ने ये कोर्स जो है डिजाइन किया कि ये 9 महीने का कोर्स होगा, आज से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। पहली आपकी जो क्लासेस होंगी वो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, 15 अक्टूबर से आप क्लासेस जो है ले सकते हैं, आपको पूरे वीक में ये ध्यान दें यहां पे कोर्स में जो चलेगा आपका पूरे वीक में आपको 3 वीडियो क्लासेस दिया जाएगा, जो लिखा हुआ है यहां पे पहला आपका पॉइंट जो डिपिक्ट किया गया है कोर्स में, ये यही बोला गया है कि आपको वीडियो क्लास मिलेगा जो क्या होगा आपका रिकॉर्डेड भी होगा और लाइव भी होगा, ठीक है। अब इस रिकॉर्डेड और लाइव में क्या है कि देखो जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, किसी कोई भी चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको, उस चैप्टर पे आपके पूरा का पूरा हम पढ़ाने के बाद उससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्विज के माध्यम से होगा, देखा जाएगा, साथ ही साथ उसी क्विज का हो सकता है आपको पीडीएफ दिया जाएगा कि कभी कभी पीडीएफ के फॉर्म में आपसे क्विज कराया जाए कि आपके आपका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, या आपको ऑनलाइन वीडियो के क्लास के माध्यम से आपको क्विज कराया जाएगा। सेकेंड आपका यह बनता है कि आपको मैंने बताया ना ये प्री के साथ साथ हम कुछ मेंस के लिए भी आपको थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे, ठीक, हम उन चीजों पर फोकस करेंगे। अब ऐसा ना रहे कि आप प्री पढ़ लो उसके बाद से मेंस पढ़ना हुआ तो आप फिर से शुरू से लग गए, मेरे कहने का मतलब यह है कि हाँ हम 9 महीने की अवधि लेकर चल रहे हैं तो हम उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उस पोर्शन को अभी हम हटा देंगे जो पोर्शन आपके मेंस के लिए है। मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, हिस्ट्री लेता हूं, ठीक है, हिस्ट्री में क्या है आपका कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो सिलेबस है वो आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 जो पीसीएस का मेंस का पेपर होता है उसमें पोर्शन है, बाकी आपका पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा सिलेबस जो प्री का है वही मेंस का है। तो क्यों हम दो बार मेहनत करें,
हम एक ही बार क्यों ना मेहनत कर लें कि जो हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं वही हम थोड़ा डीप में पढ़ें, थोड़ा अच्छे से, कि जहां से क्वेश्चन, ये सब आपको कौन बताएगा? टीचर बताएगा। जो जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो उसकी सर्जरी करेगा आपके सामने, डीप एनालिसिस करेगा, ठीक है, कि बताएगा कि नहीं देखो इतने चैप्टर हैं इसमें, लेकिन हमें फोकस किस किस चैप्टर पे होना है वो सब आपके जो जिस जिस सब्जेक्ट के जो जो टीचर होंगे वो आपको पूरी एनालिसिस बताएंगे। इसीलिए उसको भी शामिल किया गया है कि आपको एक विषयवार साप्ताहिक विश्लेषण दिया जाएगा, ठीक है, कि हर सप्ताह में आपको एक दिन ऐसा रहेगा कि आपको सब्जेक्ट में, चाहे टॉपिक में, कुछ भी हो सकता है, चाहे चैप्टर में, हर, क्योंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एकदम सटीक बोला जाए, एकदम एक अच्छे रणनीति से नहीं तैयारी करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कोर्स बहुत लंबा होता है और जो एक सही रणनीति के साथ तैयारी करता है उसी का सिलेक्शन इस 9 महीने के बाद प्री में हो जाता है, इतना ध्यान रखना। तो इन सब पॉइंट को हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि हम जो भी आपका चैप्टर पढ़ाएं तो उसमें आपको सबसे ज्यादा कंसर्न कहां होना है, किस पे फोकस होना है, कहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब टीचर आपको बताएंगे। इसलिए विश्लेषण बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी के बेस्ड पर आपकी कक्षाएं होंगी, मैंने पहले ही बता दिया पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड कक्षाएं चलेंगी और साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपके जो भी फैक्ट्स होंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे, वो आपको कवर कराए जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको नोट्स कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको इसी एनसीईआरटी के बेस्ड पर, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन लिखी होती है एनसीईआरटी, इसी एनसीईआरटी के बेस्ड पर आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा। अब ये आंसर राइटिंग शुरुआत में जो बच्चे पहले से मान लो जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, वो कुछ जानते हैं, लेकिन जो नहीं लिखे हो, जो थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने हिस्ट्री में आपको एंशिएंट से शुरू किया और एंशिएंट का मैंने एक चैप्टर फिनिश कर दिया, मान लो पहला मैंने चैप्टर आपका फिनिश कर दिया, सपोज करो हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे दूंगा कि बच्चों आप इसके बारे में लिखो, मैं अभी वर्ड का कोई लिमिटेशन नहीं लगाऊंगा शुरुआत में, ठीक है, मैं पहले आपके भावनाओं को देखना चाहता हूं कि आप कितना वर्ड लेकर, कि मैंने एक आपको क्वेश्चन दे दिया कि नगरी हड़प्पा सिविलाइजेशन को और आज के कल्चर्स को रिलेट करके आप लिखिए, ठीक, तो आपको मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने वर्ड में उसको लिख सकते हो, आपका भावना, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया वो चैप्टर, अब आपको लिखना है उस पर, ठीक है, तो वो कोई लिमिट नहीं रहेगी। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी आपको परीक्षा देना होगा, मेंस जब दोगे आप, तो उस समय आपको वर्ड लिमिट लिखना होगा। तो ये सब बताया जाएगा आपको टीचर के द्वारा कि जो आपने लिखना जब आपने शुरू किया एक पॉइंट पे, तो पूरा पेज 3-4 पेज भर दिया, क्योंकि आपके पास मैटर बहुत रहेगा और जो मैटर रहेगा वो खुद नहीं आप जानोगे कि कौन सा इसमें नेसेसरी है कौन सा नहीं है, तो उसको टीम एनालाइज करेगी, टीचर आपके एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि आपको ये पॉइंट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये सिचुएशन धीरे धीरे आपका एक एक स्टेप करके प्रोग्रेस करके जो है सुधारा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। उसके बाद से ये हमारा मेन टारगेट किसके लिए, मैंने बताया कि प्री 21 को मुझे क्रैक करना है, सबसे पहला टारगेट ये है, जो आपका प्री होगा उसे क्रैक करना है कि इसमें कोई डाउट ना रहे कि अगर हम आज से तैयारी शुरू कर दें तो इफ और बट वाली कंडीशन न रहे कि नहीं यार थोड़ा और पढ़ लिए होते, चाहे ऐसा कर लिए होते तो हमारा क्रैक हो जाता, एकदम इसी पे फोकस होना है। मेंस के लिए हम आपको समय देंगे और मैंने बताया कि पढ़ाई हम ऐसा करेंगे कि जो मेरा मैक्सिमम कवर कर ले प्री, क्योंकि कुछ ही चीजें आपको अलग मिलेंगी। अब आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी साथ ही साथ पढ़ना है, प्री के लिए भी पढ़ना है और मेंस के लिए भी पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री हुए, कुछ और टॉपिक हुए जैसे आईआर इंटरनेशनल रिलेशन है, एथिक्स और आपका एप्टीट्यूड है, वो आपके अलग चीजें हैं, उसको मेंस के लिए इतना टाइम मिल जाता है आपको 3-4 महीना कि आप उस पर फोकस हो सकते हो, लेकिन प्री का ही सिलेबस एक बड़ा है, समझ लो कि जो प्री है वही मेंस है, ठीक है, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, मगर मेन टारगेट हमारा रहेगा कि आपको हम क्या कराएंगे कि पीसीएस 21 जो है आपको क्रैक कराना है प्री। इसीलिए जो हमारा ये 9 मंथ का कोर्स है, उस 9 मंथ के लास्ट में अगर हम बोलें तो 4-3 महीने में आपको पूरा का पूरा, पूरी टीम आपके साथ सिर्फ प्री फोकस हो जाएगी, ठीक है। जब भी आपके एग्जाम के 3-4 महीने बचे रहेंगे उस समय पूरी की पूरी परीक्षा प्लस टीम आपके साथ प्री फोकस हो जाएगी और आपको भी उस समय मेहनत क्या कर देना है, ट्रिपल कर देना, डबल मैं नहीं बोल रहा हूं, ट्रिपल कर देना, डबल तो अभी लेके चलना है आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें रही। उसके बाद से आपको मैं बता रहा हूं कि सभी विषय के जो है आपके नोट्स मिलेंगे,
तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं होना, बच्चे इसी पे लगते हैं तुरंत फोकस होने, कहने लगते हैं सर जी इसका नोट्स नहीं मिला, उसका नोट्स नहीं मिला। नोट्स किस लिए होगा ये मैं बता दे रहा हूं अभी आपको। ये नोट्स आपके लास्ट में जो 2 से 3 महीने बचेंगे, 3 से 4 महीने मत जाओ, जो 2 से 3 महीने आपके बचेंगे एग्जाम के, 2 से 3 भी ज्यादा हो गया, आप 1 से 2 महीने सोचो, ठीक है 1 से 2 महीने। नोट्स सोर्स क्या है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो अच्छे से किताबें, मैंने बता दिया कि आपको हम किताब बताएंगे उसे आपको पढ़ना है, नोट्स वही चीज होगा जो आपके किताब आप पढ़ चुके हैं उसी का एक कॉन्साइज नोट्स टीम बनाएगी जो आपको देगी कि हाँ आप एग्जाम के लास्ट 1 से 1.5 या 2 महीने में क्या करो उसे ओवर थ्रू चले जाओ, ताकि आपके जो फैक्ट्स हैं जो भी चीजें आपने पढ़ा है एक छोटे पार्ट में रिवाइज हो जाए। क्योंकि आप फिर से अगर किताबों से पढ़ोगे ना तो फिर से ये लगे यार ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले, तो आप वो 1-2 महीने में पूरा कवर नहीं कर पाओगे जितने सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब आप उन्हीं सब्जेक्टों के नोट्स कवर करोगे तो एक नोट्स हिस्ट्री को कंप्लीट करने में आपको मुश्किल से 5 से 6 दिन लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बोल दूं कि नहीं जो आप किताब पढ़ के आए हो उससे कवर करो तो आप 1 महीना में हिस्ट्री नहीं कवर कर पाओगे, तो ये फायदा होता है। तो नोट्स के लिए ज्यादा परेशान ना होना, आपसे ज्यादा परेशान टीम रहेगी कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्योंकि हमारा ध्येय है कि आपको PCS 21 क्रैक कराना है, ठीक है। उसके बाद से आ जाओ, ये आपको मार्गदर्शन जो है मिलता रहेगा कि जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो भी हमारे सेलेक्टेड पोस्ट पे लोग हैं, वो आपको बताते रहेंगे कि आपको किस दिशा में मेहनत करना है। आपको बीच बीच में मोटिवेशनल क्लासेस मिलेंगी कि जो आप लोग हौसला हार जाते हो, अरे सर ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। एक अच्छी दिशा, एक अच्छी रणनीति आपको बताई जाएगी हफ्ते में कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स में ये चीजें पॉइंट इंक्लूडेड है। जो बच्चे इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक दी हुई है हमारे वेबसाइट की live.parikshaplus.org। साथ ही साथ ये आप हमारे वेब से आप रजिस्टर कर सकते हो, या आप लोग गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। और उस परीक्षा प्लस ऐप में आप रजिस्टर करो, वहीं पे कोर्स लगा होगा फाउंडेशन बैच, ठीक है, UPPCS 21। उस कोर्स पे आप क्लिक करो और आप जो है रजिस्टर कर लो। और जो बच्चे इस कोर्स के बारे में और भी कुछ कोई क्वेरी है उनको रिलेटेड कि क्या होगा और कैसे भी जो भी चीजें हैं इस कोर्स से रिलेटेड, आपको ऐसा लगता है कि आप रजिस्टर होने से पहले कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं इस बैच के बारे में, तो आप कॉल के लिए इस नंबर पे 9450006007 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अगर जानकारी लेना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, डिटेल जानना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इन दो नंबर 8115587955 और नेक्स्ट है आपका 7398676291 पर आप व्हाट्सएप के थ्रू इस कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो ये हमारे कोर्स का पूरा डिटेल रहा। अगर आपको, क्योंकि देखिए अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, अगर आपका ध्येय है भाई साहब, मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको UPPCS 21 ये जो आपको दिख रहा है, क्योंकि आपका 20 वाला पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, अभी जब आलोक सर आपको एनालिसिस लाके बताएंगे कि पेपर आपका 19 की अपेक्षा 20 में क्या बदलाव रहा, ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा कि हाँ आप 20 की अपेक्षा 21 में कैसा बदलाव होगा, तो हमें किस तरह से अपने को मैनेज करना है, ठीक है। कंपटीशन आपका दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, तो आपको भी अपने स्तर को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये एनालिसिस आप वहां से देख लेंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा हमारे कोर्स के बारे में। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जो दिए गए नंबर हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग रजिस्टर इस कोर्स में जल्द से जल्द कर लें। बैच आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो गया। भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।